बाबा जी अच्छा उच्चा नहीं किया। नहीं नहीं वे हम गांड मारे हैं बाबा से खास गोड का गांड मार दी हम लोग का। सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए राम को न ये लाएंगे न कुछ करेंगे, सिर्फ इन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है। जाएंगे घंटा बजाएंगे के लिए बात किए ना, हिंदुओं के लिए कहाँ बात किए। अच्छा, तू राम का लोना तो राम खुद इनके अखिलेश के लावत हूँ। अच्छा, हाँ ये जोश देख रहे हैं, होश गवा देंगे मोदी जोगी जी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। आज पूर्वांचल में जो है इस मरतबा कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि राजभर इस बार जो है अखिलेश यादव के साथ लड़ रहा है, तो भाजपा के लिए थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानियां हैं। तो साथियों से जुड़ेंगे कि यहां का क्या माहौल है, और अखिलेश यादव आए हैं तो इसका कितना असर पड़ रहा है, और किस तरह से आखिरी चरण में लोग जो है मतदाता सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ? गुफरान। क्या लग रहा है, कौन अब भाई यहाँ पर? तो अखिलेश ही है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? हरकेश मौर्य। अच्छा, क्या कौन जीत रहा है यहाँ पे? अखिलेश। तो बाबा जी का 5 वर्ष कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा उनका बाबा जी। हाँ, फिर भी आप अखिलेश को? हाँ, अखिलेश अखिलेश को हम लाल हमारे क्षेत्र में ही अखिलेश को जिताएंगे लोग। हाँ, बाबा किनको ला रहे? अखिलेश को। तो क्या लग रहा है, जो भीड़ लगा है वो वोट में बदलेगा? बदलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से। कैसा रहा? ठीक रहा, ये बात नहीं है, मगर अखिलेश को भी लाना है। 5 साल और है, 5 साल इनको भी देखा जाएगा। मिलना चाहिए। हाँ, इनको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो मौका इनको भी मिलना चाहिए। सात औरतें हारे हैं, बक्की बारी जीतेंगे अखिलेश। क्या लग इनको ला रहे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। बाबा का साल भैसा जो है किसानों को परेशान कर दिए। अच्छा, महंगाई चरण सीमा पर ये चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ, कितना लग रहा अखिलेश यादव बाबा को हरा पाएंगे? अरे तिहाई बहुमत से हराएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है चाचा, किसको ला रहे हैं? अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जो भीड़ लगा है वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है? जो भीड़ लगा है वो वोट में कन्वर्ट हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है ना। हाँ, अखिलेश को ला रहे हैं। बाबा का 5 साल कैसा रहा बाबा जी का, योगी आदित्यनाथ का? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे आप लोग अखिलेश को ला रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या माहौल है। महाराज किसको ला रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश को ला रहे हैं। अखिलेश का काम ठीक था? हाँ ठीक है, ठीक है बाबा जी। ठीक बाबा जी, ठीक है। आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या माहौल है। क्या नाम है सर? लोचन यादव। क्या लग रहा है, किनको ला रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को ला रहे हैं। क्या लग रहा है सर, किसको ला रहे हैं? बदलाव। किनको? बाबा जी को? नहीं, बाबा को तेल लगाने भेजने कुटी में भेजेंगे कि हमको बदलाव, सपा सरकार चाहिए। किनको ला रहे हैं भाई? समाजवादी आ रही है। समाजवादी आ रही है, तो भीड़ वोट में बदल रहा है? नहीं नहीं, बदल नहीं रहा है। ये जो आपका भीड़ लगा है वो वोट में बदल रहा है आपके लिए? नहीं, समाजवादी। हाँ हाँ, समाजवादी आ रही है। क्या लग रहा है, किसको ला रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। क्या बाबा का 5 वर्ष कैसा रहा? बाबा का 5 वर्ष सबसे बेकार रहा। अच्छा, नहीं अच्छा रहा? नहीं। तो सबके लिए बात किए, हिंदू मुसलमान सबके बात करते? तो वो सबके लिए बात किए ना। हाँ, हिंदुओं के लिए कहाँ बात किए? अच्छा, से हिंदुओं के लिए नहीं बात नहीं किए। तो अखिलेश यादव आ रहे प्रचंड बहुमत से पूरी तरह से? 404 403 आए, 404। और जो इंग्लैंड इंडिया वाला उसको भी ले लीजिए जी। क्या लग रहा है, किनको ला रहे? अखिलेश आएंगे। क्या लग रहा है, किनको ला रहे? अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं पूर्व बहुमत से। पूर्व बहुमत से अखिलेश यादव योगी जी गए मठ पर जो है, अब योगी जी मठ अब सां और जो है चराए जा करके से आ रही है सरकार, समाजवादी पार्टी के पूर्व बहुमत से सरकार आ रही है। हाँ, बाबा जी कह रहे हैं हम विकास की? नहीं नहीं, बाबा जी कुछ नहीं विकास किए हैं, बर्बाद कर दिए सब। क्या नाम है आपका? रविश कुमार यादव। अरे बाप रे, रविश तो एक तो NDTV वाले। हाँ, वो नहीं, हम यहाँ के रविश है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अरे अखिलेश भैया जीता था वह मुख्यमंत्री बनी है। बाबा जी कह रहे हैं कि हम तो सबके लिए विकास किए हैं। अरे वो उनका बात छोड़ा, काट नौकरी डालना। 5 साल में उन्होंने कितना रोजगार दिया? बड़का बड़का पोस्टर तो उनको लगाने दीजिए ना। और तो अखिलेश यादव की सरकार बन रही हो, यहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ठीक रहेंगे? हाँ पक्का,
पक्का इस बार निकलेंगे। इतना सीट ला रहे 403 में से 400 में बहुमत से ज्यादा सीट आएगी। इतना बाप का अखिलेश यादव ये सब सड़क बोल रहा है कि अखिलेश यादव का ही बनाया हुआ है, मगर बाबा कह रहे हैं कि हमने बनवाया है। नहीं, गलत बात। अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की देन थी। समाजवादी पार्टी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। हाँ, 10 तारीख को बाबा की विदाई हो जाएगी। हाँ, फिर जाएंगे, घंटा बजाएंगे। हाँ, बाबा जा रहे हैं। अच्छा, बाबा तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात किए हैं। विकास साथ कहने का विकास सार भैसा छोड़ देना खेते में। अच्छा, हाँ, गाजर खा थोल जाए। अच्छा, बाबा जी के लोग गाना बजा रहे के जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तू राम के लो ना, तो राम खुद इनके अखिलेश के लावत हूँ। अच्छा, हाँ, तो राम जी खुद अखिलेश की सरकार बना। हाँ, राम खुद अखिलेश का सरकार साथ है। अच्छा, हाँ, तो बाबा जी के साथ नहीं है? बाबा जी के साथ नहीं है। अच्छा, हाँ, बाबा जी गोरखपुर घंट बजाएंगे। घंट बजाएंगे, घंट। अच्छा, क्या है बाबा जी? अच्छा उच्चा नहीं किया? नहीं नहीं, वे हम घंट मारे हैं। बाबा से सात गोट का घंट मारती है हम लोग का। हाँ, अखिलेश यादव आ रहे हैं इस बार। हाँ, अखिलेश यादव पूर्व बहुमत में 341 सीटें करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जवाहर यादव। आप तो यादव है तो अखिलेश को लेवे कीजिएगा आप। हाँ, भाई हर बिरादर ला रहे हैं ना। एक बार जोगी के झांसा में हर बिरादर गरीब फंस गए, इस बार फंसने वाले नहीं है। 300 अरे 350 से ऊपर जाएंगे। दो दो अखिलेश है, एक तो वहाँ। दोनों अखिलेश जा रहे हैं लखनऊ। हाँ, दोनों अखिलेश जा रहे हैं। एक बटन पर दो अखिलेश आ रहे हैं, एक बटन पर दो अखिलेश आ रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि हम विकास किए थे, तो बाबा जी खुद कह रहे हैं नाजायज किए थे, तो नाजायज मालूम है उनको, नाजायज तरह से जाएंगे। ये जो ये बार बार जो बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी 80-20 की बात कर रहे हैं। 80-20% ना पाइए, नहीं पाएंगे। आजमगढ़ 10-10 दे रहा है, 10-10 सीट सपा के लिए हर एक बिरादर दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहाँ के सांसद भी है, तो क्या अच्छा रहा उनका? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। चीनी मिल हुआ दिए हैं, 6 लेन हुआ दिए हैं, PGI कॉलेज हॉस्पिटल हुआ दिए हैं। क्या भाजपा ने क्या दिया यहाँ? कुछ भी दिया। मुलायम सिंह ने कमिश्नरी दिया। आजमगढ़ का, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास जो है समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिताशु है। अच्छा, तो ये बताइए कि बाबा जी जो कह रहे हैं कि कहा कि बुलडोजर चलने वाला है 10 तारीख को, वो उनके उनका उनके घर पर चलेगा बुलडोजर। जनता चलाएगी, जनता उनके घर पर बुलडोजर चलाएगी। इन्होंने किया है, आप लोग नारा लगा रहे हैं कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। हाँ, साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। वो लगा रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। वो राम को कहाँ लाए? राम को जनता लाएगी, और अखिलेश उनके साथ हैं। और अखिलेश ने राम के सहारे ही सब कुछ किया है। राम अखिलेश जी के साथ हैं, जोगी जी के साथ नहीं है। ये बाबा जी कह रहे हैं कि हम राम को लाए। राम को तो दशरथ जी लाए थे, ये कहाँ लेके आए? और अगर ये राम को लाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों अभी तक ये मंदिर पड़ा रहा? जो भी पार्टी थी, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो हमें मान्य है। जब मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, तो बाबा क्यों कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं? ये कहाँ से राम को लाए? गाना बजा रहे हैं ना भाजपा वाले, सुना होगा? नहीं, तो वो तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहते। पहले कहते थे कि हम 15 लाख देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ रोजगार दे दिया, कहाँ 15 लाख दे दिए, ना लैपटॉप दे दिए, किसको स्मार्टफोन मिल गया। ये कह रहे हैं कि 12वीं के बाद इंटर करिएगा तब मिलेगा। अच्छा, वो बाबा जी जो है ऐसा है ना, हमारे मोदी जी जो है वो 12वीं के बाद 10वीं किए हैं, और हमारे योगी जो है वो 12वीं के बाद 10वीं किए हैं। तो वो ही बता रहे हैं, अमित शाह जी ने जो बताया है कि 12वीं के बाद इंटर करेंगे, तो भाजपा के लोग 12वीं के बाद इंटर करते हैं। अच्छा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश जी हैं, वो शिक्षित हैं। अच्छा। उनको ऐसी नहीं, वो 12 के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद विदेश में भी पढ़ाई करते हैं। अच्छा। लेकिन ये अनपढ़ लोग, ये सिर्फ चिलम पीते हैं, और इनके दिमाग में हमेशा गांजा का नशा रहता है। तो ये हिंदू हिंदू की बात बार बार
सकते हैं। ये सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, राम को ना ये लाएंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ इन अपना वोट बैंक बढ़ाना है। ये कहते हैं कि अखिलेश यादव सरकार में बड़ी गुंडागर्दी थी। नहीं नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं थी। कहाँ गुंडागर्दी थी और क्या होगी? हाथरस से बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी, बताइए ना। ये लोग कहते हैं हाथरस एक छोटी घटना थी। अच्छा, तो जो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ वो छोटी घटना है? बंदूक के कुंदों से उनके घर खिड़कियों को खटखटाया गया है, ये छोटी बात है? बताइए ना आप। अखिलेश यादव आएंगे तो इन मुद्दों पर जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वो तो अखिलेश यादव को टोटी चोर बता रहे बीजेपी वाले। अरे वो तो पूरा कफन चोर है, वो तो कफन चुरा लिए। ये जो भाजपा सरकार में 300 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 700 किसान मर गए हैं, अभी वो एक मंत्री का लड़का वो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, ये गुंडा राज नहीं है, ये राम राज्य है। और अगर सपा में कुछ हो जाए तो वो गुंडा राज्य है। अखिलेश यादव यहाँ के सांसद भी है तो कितना कार्य हुआ है उनके अंदर? यहाँ जो भी कार्य, ये रोड दिखाई दे रहा है आपको, जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चीनी मिल दिखाई दे रहे, ये सब अखिलेश जी के करे हुए हैं। और मुबारकपुर की जनता इस बार एक वोट से दो अखिलेश को जिताने का काम करेगी। अखिलेश जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय अखिलेश। बस बस, बाबा नहीं, बाबा नहीं है, बाबा तो ढोंगे, बाबा कुछ नहीं है। जय अखिलेश, जय समाजवाद। बाबा का भोगी हम, बाबा जी अब पूजा पाठ करेंगे और क्या कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घंटा बताएंगे गोरखपुर में जाके। हाँ बन्ना, घंटा बताएंगे यार। देश की मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार नहीं बनी 1%, तो फिर कैसे होगा? सरकार बने, सरकार की महिला कोई नहीं रोक पाएगा, सरकार बनेगी। किसको वोट देना चाहिए? सुमन। किन की सरकार बना रहे हैं आप लोग? अखिलेश यादव को। अच्छा, बाबा जी का नहीं है? नहीं। अच्छा, बाबा जी का कैसा रहा? अम्मा बाबा जी का कैसा रहा? क्या क्या बाबा पूछिए। नहीं, क्या लग रहा किन की सरकार? अखिलेश की, अखिलेश यादव की। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और बाबा जी कह रहे हैं कि गर्मी ठंडी कर देंगे। अरे ये जोश देख रहे हैं, ये जोश देख रहे हैं, होश गवा देंगे मोदी जोगी जी। अच्छा, मोदी जोगी जी लोग अपना होश गवा देंगे, जोश देखिए। वो कह रहे फ्री में राशन बांटे हम। अरे हमें कुत्तों जैसी रोटी नहीं चाहिए, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, लैपटॉप खुद अपने लेंगे, मेधावी छात्र होंगे। क्या चीज हम से लेकर हमें तो राशन 5 किलो दे रहे हो? क्या बांटे हो, क्या बांटे हो? नाजियल यात्रा लाए, राशन से हमारी जिंदगी नहीं कट जाएगी। 5 किलो राशन खा के हम क्या करेंगे? हमारा लेके हमें ही दे रहे हैं। कोई खदिया खदिया के बोरो 50 किलो, अगर 45 किलो का वो हम आने के घटना लग किसान में ना। 5 किलो राशन पर इतना गुमान बा, आप 500 सड़वा खाते जनता परेशान बा। जोगी बाबा यादव को, अखिलेश यादव आएंगे। हाँ हम नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी लाएंगे। अच्छा, सब लोग मिलकर अखिलेश यादव को लाएंगे। अरे अच्छा, तो सुने ना, बीजेपी के लोग इतना प्रचार, अरे सुने, बीजेपी के लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अखिलेश यादव अकेले लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव अकेले ही लड़ेंगे, उनके पास इतना ताकत है, उतना बीजेपी में नहीं है कि अकेले लड़ सके। बदलाव होगा, तो पार है, तीन तो पार है, तीन तो पार है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। तो भैया क्या नाम है आपका? शिवनाथ। शिवनाथ जी, क्या तो लग रहा है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं? तो आप तो पहले से तीन चक्का साइकिल चला रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव को लाने की तैयारी है? हाँ? बाबा जी बोलिए, बोलिए। बाबा जी नहीं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ? अरे गोरखपुर मत पे। बाबा जी तो कह रहे हैं कि वही सभी में जाएंगे।
नहीं यादव जी भीड़ देख लीजिए। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, बहुत सारे साथियों से बात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन होने वाला है। सवाल यह है कि क्या सातवां चरण चल रहा है और पूर्वांचल महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल में लगातार जो है बाबा योगी आदित्यनाथ जो है इशारा दे रहे हैं और आजमगढ़ जो है आजमगढ़ शुरू से अखिलेश यादव का गढ़ रहा है। यहाँ पे कभी मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव आए तो कितने वोटों से यहाँ पर जो है सपा प्रत्याशी जीतेंगे और सरकार किसकी बनने जा रही है वो शायद जनता बेहतर जानती है। रजान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।